बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की अहम बैठक आज, सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। बैठक में लाया जा सकता है अनुपूरक बजट का प्रस्ताव। बैठक में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की आज अहम बैठक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। अनुपूरक बजट को लेकर बैठक में लिया जा सकता है अहम फैसला। बैठक में लाया जा सकता है अनुपूरक बजट का प्रस्ताव। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ कैलाश जोशी जुड़े हैं। जी कैलाश, जरा बताएं कि जो बैठक होने वाली है मंत्रिमंडल की, कैसे इस बैठक को देखा जाए, किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी? देखिए कायनात, मंत्रिमंडल की जो बैठक है वो आज देर शाम होने वाली है, और क्योंकि 29 तारीख से उत्तराखंड का शीतकालीन सत्र जो है चालू होने वाला है, जिसमें उत्तराखंड सरकार का अनुपूरक बजट यहां पर आना है, और अनुपूरक बजट को लेकर सरकार की तैयारियां पूरी हो चुकी है। क्योंकि अगर हम बात करें, क्योंकि विगत दिनों जो कैबिनेट हुई थी उसमें भी चर्चा हुई, और अब आज मंत्रिमंडल का की जो बैठक है वो सत्र से पहले ये अंतिम कैबिनेट बैठक मानी जा रही है, और तमाम जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर रखे जाएंगे, चाहे अनुपूरक बजट की बात करें या फिर जो नकल विधेयक कानून है उसकी बात करें, या फिर जो राजस्व को लेकर जो राजस्व पुलिस की वो गाइडलाइन बननी है उसकी विधेयक की बात करें, तो तमाम विधेयक यहां पर पटल पर रखने की अनुमति आज जो है कैबिनेट में पास होगी। उसके बाद सदन जब चलेगा तो सदन में जो विधेयक हैं उनको पास कराया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है कि जो राजस्व संहिता है वो यहाँ पर रखी जाएगी, और जो नकल विधेयक कानून है उसको यहाँ पर जो सचिवालय विधानसभा के पटल पर रखने की कवायद यहाँ पर मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगी। और साथ ही अगर हम बात करें तो स्मार्ट सिटी के तहत जो ग्रीन बिल्डिंग यहाँ पर बननी है उसको लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आज कैबिनेट में डिस्कस किए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये माना जा रहा है पहला यहाँ पर कि जो सचिवालय में आज कैबिनेट बैठक होगी, उस बैठक में अनुपूरक बजट पर जो है मंथन किया जाएगा। अनुपूरक बजट इस बार पास होना है तो उसको लेकर चर्चा यहाँ पर होगी। जी, क्या इस बारे में कोई जानकारी सामने आ पा रही है कि बजट जो है कितने तक का लाया जा सकता है अनुपूरक बजट, और कितने ऐसे अहम प्रस्ताव रहने वाले हैं जो आज मंत्रिमंडल की बैठक में जो है जिनको हरी झंडी मिल सकती है? देखिए, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जो बैठक है विधानसभा सत्र, आगामी विधानसभा सत्र के दौरान जो पेश होने वाले अनुपूरक बजट का प्रस्ताव यहां पर लाया जा सकता है। सरकारी सेवाओं में नकल निषेध विधेयक समेत अन्य प्रस्तावों पर यहां पर चर्चा हो सकती है। बैठक जो 3 बजे यहाँ पर होगी। बैठक में स्मार्ट सिटी परियोजना, जो सिटी योजना है उसके तहत देहरादून में ग्रीन बिल्डिंग निर्माण का जो प्रस्ताव चर्चा में लाया जा सकता है। नई राजस्व संहिता का जो प्रस्ताव है वो कैबिनेट में विचाराधीन है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है यहाँ पर, जो सौंग बांध परियोजना है उसके पुनर्वास और विस्थापन के प्रस्ताव पर भी जो है कैबिनेट में आज चर्चा यहाँ पर हो सकती है। क्योंकि मंत्रिमंडल की बैठक है, अपराह्न 3 बजे के लगभग ये बैठक होगी, और उसके बाद अनुपूरक बजट पर जो अनुपूरक बजट इस बार आना है विधानसभा में उसको लेकर चर्चाएं कैबिनेट में होंगी, और तमाम ये जो प्रस्ताव मैंने अभी आपको बताया इन प्रस्तावों पर चर्चा होगी। क्योंकि विधानसभा सत्र जब चलेगा तो इन प्रस्तावों का जो विधेयक है वो सचिवालय के पटल पर। ये तमाम जैसे आपने बताया कि इन प्रस्तावों को लेकर आज जो मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है उनमें चर्चा की जाएगी। ये आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो विधानसभा का सत्र अभी शुरू होने वाला है, कब से शुरू होगा, कितने दिन का रहेगा, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? अब बिल्कुल, देखिए जो विधानसभा सत्र है वो 29 तारीख से शुरू होगा और 5 तारीख तक ये विधानसभा सत्र चलना है। इसमें अनुपूरक बजट पास होगा, तमाम जो विधेयक हैं राज्य के में जो विधेयक बनने हैं, जिन विधेयकों को सरकार के द्वारा लाया जा रहा है उनको लेकर यहाँ पर जो है चर्चा होगी। अनुपूरक बजट पेश होगा, अनुपूरक बजट पेश होने के बाद उस पर चर्चा होगी, प्रश्नकाल होंगे, उनके आंसर होंगे, तमाम विकास की रणनीतियों पर जो चर्चा होगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो सत्र है वो 29 तारीख से 5 तारीख के बीच का समय यहाँ पर मिला है। अब ये आने वाला समय बताएगा कि सत्र 29 तारीख से चलकर 5 तारीख तक चलता है या उससे पहले खत्म हो जाता है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया कैलाश जोशी जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है और काफी अहम और महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं इस बैठक में चर्चा का विषय रहेंगे और सबसे जरूरी जो मुद्दा रहने वाला है वो अनुपूरक बजट का है। इसको लेकर आज बैठक में चर्चा होगी, प्रस्ताव लाया जाएगा।